हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन में बात करने जा रहे हैं रैंडम फंक्शन की, ठीक है। अब रैंडम फंक्शन कैसे काम करेगा, एक्चुअली रैंडम एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराए बगैर आप काम नहीं कर सकते। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं पाइथन को ओपन कर लेता हूं, जो ट्रेडिशनल आईडीई है उसी पर हम काम करेंगे। तो ये पाइथन ओपन कर लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब पाइथन को ओपन करने के बाद यहां पर न्यू फाइल ले लेनी है हमें, और न्यू फाइल ले लिया। अब इस पर क्वेश्चन आता है, हर साल आता है और पक्का पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा बोर्ड एग्जाम में क्लास 12, ठीक है। इंपोर्ट लिखा और यहां लिखा रैंडम, आर ए एन डी ओ एम, ठीक है। अब ये लिख लिया, अब जब तक इंपोर्ट नहीं कराएंगे तब तक तो रैंडम तो यूज ही नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो यहां पर लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद क्या लिख देते हैं यहां पर, आर ए एन डी ओ एम, रैंडम फंक्शन लिखता हूं और डॉट यहां पर लगाऊंगा रैंड रेंज। अब देखिए रैंड रेंज एक अलग फंक्शन है, यहां पर देखिए आर ए एन जी ई, ठीक है। लेकिन ये भी रैंडम वैल्यूज ही जनरेट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं 100 लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। वैसे यहाँ पे 100 लिख दिया और यहाँ पे 100 लिख करके इसको चलाएंगे, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स क्लोज होंगे और F5 करेंगे इस तरीके से। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 57 आ रहा है ना। तो इसकी वैल्यू गारंटीड नहीं है। हाँ, ये गारंटी जरूर है कि जो है 100 के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि क्या आएगी वैल्यू, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ये यहां पर अगर मैं इसको फिर F5 करता हूं तो देखिए यहां पर अब 36 आ रहा है, ठीक है। तो 36 आ गया, अब इसके पहले 57 था, ठीक है। अब देखिए फिर यहां पे अगर मैं चला देता हूं तो ये 24 आ गया, फिर चला देता हूं तो फिर अलग आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से करके हर बार अलग अलग आउटपुट जनरेट होगा। देखिए अब अगर किया तो यहां पर 33 आ रहा है, इसका आउटपुट फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन आपने रेंज जो दिया है वो रेंज फिक्स है कि इसी रेंज में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेंज हमने दिया है 100, अगर मैं इसको हटा करके 5 कर देता हूं तो ये जो भी आए 5 के अंदर ही आएगा। ये देखिए यहाँ पे 4 आ गया, अगर मैं फिर इसको चला देता हूं यहां से F5 करके, इसको क्लोज करके और F5 करता हूं तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया। तो उस रेंज के अंदर ही आएगा, उस रेंज के बाहर ये नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।